हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना बालकनी गार्डन टूर करवाने वाली हूं। छोटा सा बालकनी गार्डन है, बट मैंने इसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, बहुत प्यार से इसको मैं संभालती हूं। सो इसे बिल्कुल ही गार्डनिंग की दीवानगी कही जाएगी। और फूल पौधों के बीच में रहना, इनकी केयर करना, और फूल पौधे ही ऐसी चीज़ हैं जो हमें देते बहुत कुछ है, बट बदले में कुछ नहीं मांगते। सो नेचर की ये देन है और गॉड गिफ्टेड भी है। चलिए देखते हैं मेरे बालकनी गार्डन में आजकल कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं, कौन कौन से फूल पौधे दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को थम्सअप जरूर कीजिए। आपके थम्सअप से हमें मोटिवेशन मिलता है। और नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए, हमसे कनेक्ट होने के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा बालकनी गार्डन एल शेप में है और ये दिशा है पूरब दिशा। यहाँ पे बहुत सारे हम ऐसे प्लांट्स रखते हैं जहाँ पे इनको सन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर सनलाइट वाले प्लांट को हम पूरब दिशा में रखते हैं और सकलेंट्स को हम पार्शियल शेड में रखते हैं। मेरे बालकनी से ये शिमला का व्यू, ये पिटूनिया है, यहाँ पे है मैरीगोल्ड और ये है वाइट वेलवेट। इसमें भी फ्लावर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये बिगुनिया है और जिरेनियम, रेड जिरेनियम, कैलेंडुला, इम्पेसेंस, फ्यूशिया, पेंजी, डॉग फ्लावर, जाफरी मैरीगोल्ड, कार्नेशन, ये है बेबी सनरोज, इसमें भी फ्लावर हैं, खिल रहे हैं, ये कैलेंडुला, और यहाँ पे है डायंथस। काफ़ी हेल्दी हैं और बड़े बड़े इनके फ्लावर आ रहे हैं। ये है आईवी जेरेनियम, इसमें भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। सो जैसे कि मैं शिमला में रहती हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर मंथ में ठंड पड़ती है और गर्मियाँ बहुत कम दिनों के लिए होती है। सो यहाँ पे प्लांट्स एंड फ्लावर्स को सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी मैं प्लांट एंड फ्लावर की इतनी बड़ी लवर हूँ कि ऑलमोस्ट सारे ही प्लांट जो ऑल ओवर इंडिया में मिलते हैं उसको मैंने अपने गार्डन में ऐड किया हुआ है। और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे प्लांट को बचा के रख सकूँ हर मंथ में और ठंड में भी। इनफैक्ट यहाँ पर तो जीरो टेम्परेचर भी चला जाता है और बर्फबारी भी होती है, फिर भी मैं अपने प्लांट्स का बहुत केयर करती हूँ और इनको सालों भर बचा के मैं रखती हूँ। इनफैक्ट इनकी कटिंग्स वगैरह भी हम लगाते रहते हैं और इनको मल्टीप्लाई भी करते रहते हैं। सो ये आपने देखा हमारा ईस्ट साइड का लोकेशन, काफ़ी अच्छा कॉर्नर है ये और यहाँ पे हम बैठते भी हैं सुबह शाम में। यहाँ पे हम चाय वगैरह लेते हैं और शिमला के अमेजिंग व्यू को एंजॉय भी करते हैं। इसके बाद मैं ये वाला कॉर्नर आपको दिखाती हूँ, जस्ट उसके अपोजिट का कॉर्नर ये है। ये भी बहुत प्यारा लुक आता है यहाँ का भी। ये एरोकेरिया का प्लांट है, नो डिमांडिंग एंड लो केयर प्लांट होते हैं। सो ज़्यादातर परमानेंट प्लांट ही है हमारे गार्डन में। यहाँ के रेलिंग पर मैंने स्मॉल पॉट प्लांट्स रखे हुए हैं, जितने भी छोटे छोटे पॉट हैं, 3 से 4 इंच के पॉट, कप्स वगैरह हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से आ जाते हैं। सो इसको हमने यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे की धूप मेरे गार्डन में मिल जाती है। 2 घंटे पूर्व दिशा से धूप आ जाती है सुबह वाली, और 2 घंटे मेरा जो दूसरे साइड का गार्डन है वहाँ पे धूप आ जाती है आफ्टरनून की। तो इस तरीके से हम प्लांट को मैनेज करते हैं।
एक ये सजेशन भी है कि जितना भी छोटा बालकनी गार्डन है या हमारे पास स्पेस कम है तो नो वरीज, हम उसमें ज़्यादातर हैंगिंग प्लांट जो होते हैं, हैंगिंग पॉट ऐड कर सकते हैं गार्डन में, सो दैट कि उससे भी हमारा बहुत ज़्यादा स्पेस बचता है। और हैंगिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तरीके से हैंगर वाले प्लांटर लगाने से हमारे बहुत सारे जगह जो होते हैं यूटिलाइज हो जाते हैं और बहुत सुंदर लगता है गार्डन का हर कॉर्नर। सो अपने गार्डन में हैंगिंग प्लांटर और प्लांट जरूर ऐड कीजिए, इससे भी गार्डन बहुत खूबसूरत और अच्छा लुक देता है। जहाँ देखेंगे वहीं ही ग्रीनरी होगी। जेरेनियम फ्लावर्स भी आजकल बहुत अच्छा खिल रहे हैं, अलग अलग कलर वैरायटी है और ड्वार्फ जेरेनियम है जो पॉट में लगता है। इसके साथ ही विंटर फ्लावर्स भी मेरे गार्डन में खिलना शुरू हो गए हैं जो परमानेंट विंटर फ्लावर हैं, और ये आपने मेरे वीडियो में देखी भी होगी। सो यहाँ ढेर सारी ये जर्मिनेट भी हो रहे हैं डॉग फ्लावर, और ये पैंजी है, बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है इसमें और बर्ड भी आए हुए हैं। पैंजी हैंगिंग पॉट में बहुत प्यारा लगता है। सो एक ये भी हमारा गार्डन का एरिया है जो फ्रंट एरिया है, ये फ्रंट एरिया का है कॉर्नर जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट भी है। ये इफोर्बिया मिली है, इधर डायंथस है और ये बॉटल ब्रश है। सो काफ़ी सारा यहाँ पे भी डबल लेयर में बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं, बड़े बड़े पॉट भी हैं इसमें। इसके साथ ही यहाँ पे ये थ्री लेयर में हमने बनाया हुआ है हैंगिंग पॉट का, ये बहुत ज़्यादा इस बार खिला हुआ है, फ्यूशिया प्लांट रेड वाले और पर्पल भी। सो एक ये लुक है, रोज प्लांट भी है, ये जाफरी फ्लावर है और काफ़ी बड़े हैं, ये ड्वार्फ वैरायटी में ही बड़े साइज के फ्लावर आ रहे हैं। ये है कार्नेशन, अभी भी रेन हो रही है, हल्की सी क्लाउडी वेदर है आज। सो इसके साथ ही एक ये हमारा जो बालकनी गार्डन है वो एल शेप में है, और इस तरीके का एक ये वेस्ट साइड का कॉर्नर है, इधर भी काफ़ी सारे प्लांट हैं। सो इसमें भी हमारे पास फोर लेयर है, जैसे एक हमने नीचे यहाँ पे रखा हुआ है सारे प्लांट को, देन यहाँ पे सेकेंड लेयर, थर्ड है यहाँ पे हैंगिंग पॉट का एंड फोर्थ भी हैंगिंग पॉट का है। सो इस तरीके से काफ़ी सारे प्लांट हमारे गार्डन में अरेंज हो जाते हैं, छोटे से बालकनी गार्डन में भी हम चाहें तो इनको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जस्ट इसके सामने इस तरीके का हमने प्लांट की पूरी लाइनिंग बनाई हुई है जो शेड लविंग है या बहुत ज़्यादा रेन की ज़रूरत नहीं है, सो इस तरीके से है। सो अभी हम चलते हैं और देखते हैं हमारे इस साइड के भी सारे प्लांट कलेक्शंस। सो एक ये सेल्फ है जिसमें हम छोटे छोटे सकुलेंट्स भी रख सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर वाले पॉट भी रख सकते हैं, और इसमें हम हैंगिंग रखते हैं सारे। ये देखिए बिगोनिया कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है, और साथ में यहाँ पे जेरेनियम, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, और साथ में यहाँ पे है कैलेंडुला। सो फ्लावर्स के साथ साथ सीजनल फ्लावर के साथ साथ हमारे पास परमानेंट प्लांट भी हैं। और इस लाइनिंग में हम देख सकते हैं ढेर सारे प्लांट, ये इम्पेशंस में भी बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं आजकल, ये पोलका डॉट प्लांट है। ये है सेफलेरा, परमानेंट प्लांट होते हैं, और इधर है ये सारे इंग्लिश आईवी, स्पाइडर प्लांट भी है। ये सारे फर्न की वैरायटी है, फॉक्सटेल फर्न, एस्पेरगस फर्न, बोस्टन फर्न, यहाँ पे पाम है, इस साइड भी कुछ हमने रखे हुए हैं जो बिल्कुल ही कम लाइट में अच्छे से ग्रो होते हैं, जिसमें पीस लिली भी है और रेड प्लांट है।
और एक ये हमारा सेल्फ है। ढेर सारे हमने स्पाइडर प्लांट की वैरायटी रखी हुई है। सो जगह जगह पे हमने प्लांट और प्लांटर को अरेंज किया हुआ है। कुछ हैंगिंग प्लांटर भी इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी प्यारा और घना भी हो गया है। ये है टर्टल वाइन की अनदर वैरायटी और ये सारे वाइन्स और क्लाइंबर्स हैं। और ये विंका वाइन्स है। यहाँ पे ये विंका की वाइन्स है, इसमें भी ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। इसको मोस्टिक से भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। साथ साथ ये देखिए हमारा जो बाहर का डोर है और ये हमारा रूम में एंट्रेंस का है। काफ़ी स्पेस मिल जाता है डेकोरेशन के लिए और प्लांट को अरेंज करने के लिए। ये हमने सप्लीमेंट ट्रे बनाया हुआ है। ये वाइन्स काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, टर्टल वाइन। और यहाँ पे भी वाइन है, साथ में ये भी सॉकलेंट्स वाइन है। हर कॉर्नर ही बहुत अच्छा लगता है। सो इस तरीके से हम बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। और यहाँ से मैं एक बार दिखाते हूँ आपको। सो देख सकते हैं ये हमारा गार्डन कितना प्यारा लग रहा है। जगह जगह पे फ्लावर और प्लांट। मैं ट्राई करती हूँ अपने गार्डन में प्लांट्स वैरायटी ऐड करने की। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम प्लांट भी देखते जाते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये भी। ये देखिए ये यहाँ पे पिटूनिया भी खिल रहे हैं। छोटे से हैंगिंग पॉट में ढेर सारे मैरीगोल्ड की ब्लूमिंग हुई है। ये बिगुनिया है। सो अब एक ये लुक भी है। ये हमने सारे छोटे छोटे कटिंग प्लांट यहाँ पे लगाए हुए हैं जो प्लांट एग्जीबिशन में जाएगी। और कम स्पेस में इस तरीके से हम बॉटल्स वगैरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं प्लांट्स को। बहुत प्यारे लगते हैं और हैंग हो जाते हैं। सो ये हमारा सॉकलेंट कॉर्नर है जहाँ पे 3 सेल्फ में हमने सॉकलेंट्स अरेंज किए हुए हैं। ये भी सॉकलेंट्स ट्रे है। इसमें पुदीना है, एलोवेरा है। यहाँ पे कुछ बल्ब प्लांट हमने लगाए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको अगर मेरा गार्डन अच्छा लगा है, आपको मेरा बालकनी गार्डन अगर पसंद आया हो, सो कुछ आइडियाज़ भी आपको मिले होंगे इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं अपने बालकनी गार्डन को। कम स्पेस में ही लॉट्स ऑफ प्लांट वेराइटी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।